चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किराया बढ़ाना, सेलिब्रिटी भाई खर्चा ज्यादा हो रहे भाई। अब 65 रुपये बताओ, करनाल से शामली का किराया 65 रुपये कर दिया, अब कितनी मुश्किल यहाँ जनता की जेब पे जो असर पड़ रहा है, जो काम पूरा बाबा जी करवा रहे हैं। अब सीसी में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और जिला शामली में हम यहाँ बस स्टेशन पर हैं, जहाँ पर हम आज यात्रियों से बात करेंगे कि पिछले कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी आम लोगों के जेब पर क्या असर डालेगी, इसका हम यहाँ पता करेंगे। लोग हमारे आसपास हैं, हम जगह जगह जाके बातचीत करेंगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया गया है, जी, तो आम आदमी जैसे है कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, परेशान है जी, समझ बेत हो गए जिस तरह जी सरकार तय तेल पे भी किस पे गाड़ियों में हर जगह महंगाई होगी बेत होगी जी। तो जो आम आदमी है उसकी उसकी जो जरूरतें है या उन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? कोई पूरी नहीं हो रही, महंगाई हो रही, इतनी कोई फर्क नहीं बनता, इतनी महंगाई होगी बेटों की, सरकार ने कोई मतलब नहीं दिया जी बिल्कुल। ये जो किराया बढ़ा है ये इसका असर पड़ेगा जनता पे? बिल्कुल पड़ेगा जी, 100%। जी क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम इरफान। इरफान भाई, रोडवेज बस जो सरकारी बसें हैं उनके किराए में बढ़ोतरी की गई है अभी 25% की, तो जो आम जीवन जो जी रहा है आदमी, रोजाना आना जाना सफ़र करता है, कहीं काम से जाता है, उनके उन पर ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा उनकी जेब पर? फर्क तो सारा जनता पे पड़ेगा, और किस पर पड़ेगा, जनता की जेब से जाएगा और किसकी जेब से जाएगा भाई। गैस पेट्रोल डीजल भी महंगा हो रहा है लगातार, और तो वो तो सरकार को देखना चाहिए। नहीं पहले भी सरकार थी, पहले भी पेट्रोल थे, रोडवेज पहले भी चल रही थी, है नहीं? तेल भी सारी चीज़ महंगाई हो रही है। क्या काम करते हैं वैसे आप? हम तो सिलाई का करें। अच्छा, जैसे आना जाना पड़ता है तो पहले यहाँ शामली से दिल्ली तक किराया अब वो सस्ता होता था, ट्रेन का भी आप देखो खजौली से पहले 25 रुपये में आ जाते, अब 35 रुपये में आना पड़ रहा। तो अभी आप 10 रुपये बढ़े नहीं बढ़े? अभी आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी मुझे जाना मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से खतौली जाना। अब देखो कितना लंबा सफर है। पहले कितने में हो जाता था यहाँ से अगर मुजफ्फरनगर जाए? 100 रुपये में लौट फेर हो जाती शामली मुझे। और अब कितना लगेंगे आप? अब लगेंगे 150 रुपये भाई। किराया बढ़ गया, सरकार है कुछ भी कर सके, हम क्या कर सके? नहीं कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा भाई आपकी कमाई। एक बात सुन, कमाई का है तो कमाई सबकी बढ़ने चाह ना, जब तो कुछ होगा। अब ये तो लोग हैं इकट्ठे हो रहे, इन लोगों से पूछो अरे किराया क्यों बढ़ रहा। 20 साल पहले तेल जो कच्चा तेल था उसकी कीमत वही है आज भी, है नहीं जी? 100 रुपये प्रति वो बैरल है, 20 साल पहले था तेल, कच्चे तेल की कीमत आज भी वही है, रेट बढ़ रहे फालतू, तो गवर्नमेंट की गलती है। उमेश भाई, किराया बढ़ा है बसों में, तो जैसे आम आदमी होता है उसकी जेब पर कुछ फर्क पड़ेगा इस किराए बढ़ने? बिल्कुल पड़ रहा भाई। तो किस तरह की स्थिति है अभी, जैसे आप काम क्या करते हैं? भाई हम कंपनी में जो बढ़ते हैं, बहुत प्रभाव है भाई, महंगाई इतनी होगी, रोजगार इतने है नहीं, तो रोजगार में बढ़ोतरी हुई कुछ? लेकिन तो किराया बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा ना, सैलरी बढ़ रही भाई, खर्चा ज़्यादा हो रहे भाई, महंगाई इतनी हो रही है भाई, आम आदमी बेकार ही है भाई। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो भैया शादी में जा रहे हैं। शादी में जो पहले जैसे शादी ब्याह में इसमें जाते थे, वो पहले किराया कुछ हो रहा था, 25% कम से कम बढ़ गया है भाई। 25% नहीं, पहले बागपत से शामली का 15 रुपये टिकट था, 35 को रहा, 20 रुपये बढ़ गया भाई लॉकडाउन से अभी तक का, 3 साल के अंदर अंदर ही बताओ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत फायदे हो रहे हैं लोगों को। सरकार ने क्या करा अब तक, कहीं बताओ, आप बताओ तो आपके नज़रिए में क्या लगता है? एक सिर्फ एक रोड के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाया अभी तक का, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं हुआ भाई, हर चीज़ तो उन्होंने फेंक दी, हर चीज़ उन्होंने गिरवी रख दी, अब बताओ क्या करें इस चीज़ का। फिर चुनाव भी है, चुनाव पे भी असर होगा? चुनाव पे भाई बीजेपी चले जाओ और कोई सी आ जाओ, सही है आपकी नज़र में? सही नहीं, अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार सुर से अभी तक का। अब 65 रुपये बताओ, करनाल से शामली का किराया 65 रुपये कर दिया, अब कितनी मुश्किल, बेरोजगारी है, पैसे लोगों के पास इतने होते नहीं, आना जाना कितना मुश्किल करती है बताइए। लेकिन जो लोगों के रोजगार है, मजदूरी कर रहा है, चाहे कोई काम कर रहा है, उनके उनकी तनख्वाहों में या उनकी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हुई? वो तो कुछ नहीं हुआ जी, मजदूरी आगे काम है नहीं लोगों के पास, तो रसोई पे असर जाएगा अगर बहुत ज़्यादा। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर महंगा, 48-45 165 रुपये की थैली है 5 किलो की, बताओ लोग। अब एक आम आदमी परिवार चलाएगा, जो एक आदमी घर में मजदूरी करता है, घर में पीछे 5 बच्चे और खाने वाले हैं, बताओ वो कैसे करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा क्या करेगा, वो बीमारी सारी चीज़ें हैं जी घर में, बताओ करके। जितनी भी यूपी की बसें हैं वो तो बिल्कुल बेकार है, जो अच्छी बसें हैं
हरियाणा रोडवेज है, मान लो दिल्ली है, और सब जगह की बसें सही हैं। अच्छा, लोग हरियाणा रोडवेज में सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे, यूपी की बसों में नहीं बैठेंगे, इनकी हालात ऐसी है। ऐसे दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री है जी यात्रा करना, यूपी में उल्टा किराया बढ़ रहा है, तो ये ऐसा क्यों? सब लोग भारत में सब लोग रहते हैं, भारत के सारे लोग दिल्ली में भेजने पड़ेंगे जी, ऐसा होता है? यहाँ यूपी में नहीं हो सकते? हाँ, यूपी में बाबा जी कर रहे हैं, बाबा जी तो किराया यहाँ किराया बढ़ा रहे हैं बाबा जी, यहाँ जनता की जेब पे जो असर पड़ रहा है, जो काम पूरा बाबा जी करवा रहे हैं। अब जैसे घर में रसोई पे ही फर्क पड़ेगा, सब पे पड़ रहा जी, तो अब गरीब आदमी को 400-500 रुपये कमाने वाला है, एकदम उस पर इतना बोझ पड़ जा, तो दिक्कत तो सबको ही रहेगी, कहता कोई नहीं, परेशान सब हैं। भाई मेरा नाम है विक्की। विक्की भाई कहाँ से, कौन से गांव से हो? टिटोली। अच्छा, अभी यूपी सरकार में बसों का किराया बढ़ाया गया है, तो आपको क्या लगता है, आप भी रोज़ आते जाते होंगे? रोज तो नहीं आते जाते, कभी कभी आवा जावा, तो कुछ फर्क पड़ता है भाई, एकदम से किराया बढ़ गया इतना? किराए पर फर्क तो पड़ गया भाई, 68 का 78 98 का होगा मेरठ का, तो सरकार के गलत फैसले है। तो क्या काम करते हैं आप? भाई मैं तो नौकरी की तलाश में हूँ। अच्छा, अभी बेरोजगार है, तो ऊपर से आपको किराया देना पड़ रहा है, वो भी बढ़ाकर? आज बता के करे, घर वालों को तो ही मांगने पड़े, हम तो कमाते नहीं भाई, देना पड़ेगा किराया, तो रोडवेज है। चलिए, हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में थे, जहाँ पर हमने यहाँ पर यात्रियों से बात की और पता किया कि जो अभी पिछले समय में किराया बढ़ाया गया यूपी सरकार द्वारा, उसका कितना असर लोगों के जेब पर हो रहा है, आम जीवन पर हो रहा है। लोगों का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं उनकी रसोई, उनका उनकी जो आमदनी है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। जुड़े रहे शीशे से, उत्तर प्रदेश में आपको खबरें आती रहेंगी। धन्यवाद। दोबारा ठीक है, देख लगे जाए, अच्छा जी भाई।